विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में 11,900 फीट पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसी दौरान केदारनाथ धाम में मेरी लाइफ फॉर एनवायरमेंट हेतु वृक्षारोपण और हस्ताक्षर अभियान सहित 500 पर्यावरण प्रेमियों द्वारा शपथ ग्रहण अभियान भी चलाया गया। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पर केदारनाथ धाम में मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग, डीएफओ अभिमन्यु और तीर्थ पुरोहितों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्रह्म कमल पौधे रोपण का शुभारंभ किया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज इस पर्यावरण दिवस पर हम भगवान के श्री धाम से दिव्य ज्योतिर्लिंग से ये प्रार्थना करेंगे, ये शपथ लेंगे कि हम अपने से पहले अपने आप को हम पूर्वों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन खुद से हम आज एक संकल्पित रहें कि हमारे द्वारा किसी भी तरह से प्रकृति को कोई नुकसान ना हो और जहाँ पे नुकसान दिखता भी है उसको हम संरक्षित करने का संकल्प लें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के द्वारा 11,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री केदारनाथ धाम में विश्व पर्यावरण दिवस को धूमधाम से मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम, सफाई अभियान, सिग्नेचर कैंपेन और हैशटैग क्लीन केदार ग्रीन केदार अभियान के तहत वृक्षारोपण जिस कार्यक्रम किया गया, जिसमें केदारनाथ धाम के आसपास के क्षेत्र में 52 ब्रह्म कमल पौधों का रोपण किया गया। साथ ही जो अन्य जो हमारे केदारनाथ पैदल मार्ग है उस पे विभिन्न प्रजातियों के 2000 पौधों का रोपण किया गया।